यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अपन ने पढ़ लिया और उस पर बेस दो प्रकार के सवाल भी कर लिए। 22 चैप्टर में रियल नंबर से कनेक्टेड दो थ्योरम पढ़नी और दोनों थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ना है। पहली थ्योरम हमने अच्छे से पढ़ ली और समझ ली, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को दबे छुपे आपने पहले ही पढ़ लिया था, आज उसका नाम जान लिया, तो रियल बात यह है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी आपको दबा के छुपा के पहले ही पढ़ा दी गई है। अभी देखना, हम आते हैं इस पर। अच्छा, उसके पहले कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर ले लें, इफ यू टेक एनी नेचुरल नंबर, अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं तो या तो वो नेचुरल नंबर प्राइम होगा या वो नेचुरल नंबर कंपोजिट होगा। अभी प्राइम और कंपोजिट का क्या चक्कर है भैया? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो वन से डिविजिबल होंगे, वन तो राजा बाबू है, वन तो हर नंबर को ही डिवाइड कर देते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से डिविजिबल होंगे और खुद से। अब देखो हर एक ही नंबर वन से भी डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होता। सुनो, प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। ओनली पर ध्यान देना। ब्रह्मांड का हर नंबर वन से डिविजिबल होगा, ब्रह्मांड का हर नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा, ये नई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों के अलावा ये और किसी से डिविजिबल नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, दैट इज, बात को यूं भी कह सकते हैं, दैट इज हैव ओनली टू फैक्टर्स, यानी इनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? वन और वो नंबर खुद। इनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन और वो नंबर खुद। जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन से तो डिविजिबल होंगे ही बिकॉज हर नंबर होता है, खुद से भी डिविजिबल होंगे ही बिकॉज हर नंबर होता है, लेकिन उसके अलावा भी और नंबर से डिविजिबल होंगे। कंपोजिट नंबर मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय अदर नंबर्स ऑल्सो एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, दैट इज हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी इनके दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं। दो फैक्टर्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसके पहले मैं इसको एक बार और बोलूं, जरा नंबर वन को देखो यार, इस बेचारे के तो दो फैक्टर है ही नहीं, इसका तो एक ही फैक्टर है, ना इसके दो फैक्टर है ना दो ज्यादा फैक्टर है, तो प्राइम एक ही कंपोजिट, तो वन इज Neither prime nor composite, ना तो ये नंबर प्राइम है और ना ही नंबर कंपोजिट। प्राइम वो नंबर होंगे जिनके केवल दो फैक्टर हो बस, और कंपोजिट वो नंबर होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो प्राइम मतलब एग्जैक्टली टू फैक्टर एंड कंपोजिट मतलब मोर देन टू फैक्टर। इस बेचारे के तो दो या दो ज्यादा है ही नहीं, एक ही है, तो ये ना प्राइम है ना ही कंपोजिट। ये शायद हम लोग 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। अब खास बात ये है, कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। याद आया प्राइम फैक्टराइजेशन? याद करो, अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला था। अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे। एवरी कंपोजिट नंबर, बिल्कुल ध्यान सुने, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस इज कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हर कंपोजिट नंबर को
प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो, प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो, और ये कहलाता है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है उस नंबर का? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है उस नंबर का? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सुनो ध्यान से, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन कोई नई चीज नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, नाइन्थ क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। कोई भी नंबर, मान लो सिक्स ले लिया आपने, तो सिक्स को लिख सकते हो टू की पावर वन इंटू थ्री की पावर वन। 12 ले लो आप, तो 12 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आप उस नंबर को प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो। और जब आप किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख देते हो तो वो कहलाता है उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है उस कंपोजिट नंबर का? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, आओ देखें, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करें। एक नंबर लेते हैं 32760, कोई सा भी नंबर ले लो। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? चलो करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते थे बार बार डिवाइड करके, तब तक डिवाइड करते थे जब तक लास्ट में वन ना आ जाए, क्योंकि वन ना इधर प्राइम ना और कंपोजिट। चलो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, और 2 थ्री जा 6, 2 एट जा 16, और ये 0 हो जाएगा। अब वापस 2 से डिवाइड, 2 एट जा 16, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 फोर जा 8, 2 नाइन जा 18, 2 फाइव जा 10, लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 एट जा 40, 5 वन जा 5, ठीक है, 45, 5 नाइन जा 45। देखो इसका सम ऑफ डिजिट देखो, 18 आ रहा है, 3 से जाएगा ये, 3 से डिवाइड कर दो, 3 टू जा 6, तो 21, 7 थ्री जा 21, 2, वापस 2 से जाएगा ये, 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, और इधर 12 आ जाएगा, 2 सिक्स जा 12, वाह, वापस 2 से जाएगा ये, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 6, वापस 2 से जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वापस 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 17 तो प्राइम नंबर है भाई, अब 17 किसी से डिवाइड ना होना, तो यहां पर मैं बगल में लिख सकता हूं कि 32760, ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आ जाएगी, 3 की पावर 1 आ जाएगी, 5 की पावर 1 आ जाएगी, और लास्ट में 17 आ गया, 17 की पावर 1 आ जाएगी। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी 32760 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। इसको लास्ट में फिर 17 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, या प्राइम नंबर पर भी रुक सकते हैं, कैसे भी कर दे। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिखा जा सकता है। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिखा जा सकता है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कहने का मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन अ यूनिक वे। यूनिक वे का मतलब क्या है कि एक कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। जैसे 6 का 2 इंटू 3, और कुछ नहीं, ज्यादा ऑर्डर चेंज कर सकते हो 3 इंटू 2, लेकिन 2 की एक पावर और 3 की एक पावर, इसके अलावा किसी और प्राइम नंबर की कोई पावर नहीं। तो हमको पता लग गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और साथ में हमने रिवाइज कर लिया नाइन्थ क्लास का प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट छोड़ो, एवरी नंबर, प्राइम नंबर को भी प्राइम नंबर की पावर वन की तरह लिख सकते हैं, पर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड। दैट मींस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। हर कंपोजिट नंबर को एक ही तरीके से, एक खास तरीके से, यूनिक तरीके से
प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सबसे पहला जो बात है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि शायद हमको आता है. अच्छा, मैंने शुरुआत में बताया था कि इस चैप्टर में कुल 5 प्रकार के सवाल है. कितने प्रकार के? 5. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर 2 प्रकार के सवाल और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड 3 प्रकार के सवाल. तो अभी अभी हमने समझ लिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब हम इस पर बेस्ड सवाल पर आते हैं. तो हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख ली. अगर हम ध्यान से देखें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए थे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है कि भैया किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो. वो तो हमने ऑलरेडी कर रखा था. खैर आइए उस पर बेस्ड एनसीईआरटी में गिवन कुछ एग्जांपल्स ले. एग्जांपल नंबर 5 कहता है कंसीडर द नंबर 4 रेज पावर n. कंसीडर द नंबर 4 रेज पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है भाई, नेचुरल नंबर है. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 रेज पावर n एंड्स इन डिजिट 0. हमको पता लगाना है कि क्या 4 की पावर n कभी 0 में एंड करेगा. क्या 4 की पावर n कभी 0 में एंड करेगा? चलो देखें. अच्छा सोचो, अगर अगर 4 की पावर n को 0 में एंड करना है, यानी उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, तो वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 5. सोचो, 1, 2 और 1, 5 मल्टीप्लाई होके 10 बना देते हैं. अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में, सोचो अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की कुछ पावर है और 5 की भी कुछ पावर है, तो 1, 2 और 1, 5 मल्टीप्लाई होके 10 बना देगा, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 0. किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका आगे यूज आने वाला है, किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 के कुछ कुछ पावरें हो गई, तो 1, 2 और 1, 5 की पावर में मल्टीप्लाई क्या बना देगी? 10. तो उसके लास्ट में 0 आ जाएगा. तो 4 की पावर n का आखिरी डिजिट 0 हो सकता है अगर उसमें 2 की कम से कम एक पावर और 5 की कम से कम एक पावर है. अगर एक भी 2 की पावर है और एक भी 5 की पावर है, तो मल्टीप्लाई के 5 × 10, यानी अंग्रेजी माध्यम बच्चों के लिए 5 to the 10. अब इधर देखो, 4 की पावर n बेसिकली 2 का स्क्वायर की पावर n, जो कि बन जाएगा 2 की पावर 2n. तो 2 की पावर 2n है, लेकिन 5 की तो कोई पावर है ही नहीं. 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, जबरदस्ती लिख दिया 5 की पावर 0. 2 की पावर तो मौजूद है, लेकिन एक भी 5 की पावर मौजूद ही नहीं है. एक भी 5 की पावर मौजूद ही नहीं है. क्योंकि एक भी 5 की पावर मौजूद ही नहीं है, तो 4 की पावर n विल नेवर एंड इन 0. तो 4 की पावर n कभी भी 0 में एंड नहीं होगा, कुछ भी कर, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं. अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन देखो. फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20. हाँ, आपको 9th क्लास में शायद LCM HCF निकालना सिखाया गया था. आप उसको एक बार रिवाइज भी करवा दो और LCM HCF भी निकाल लो. LCM HCF, HCF तो हम समझ गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है. और LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है. HCF इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर और LCM इन दोनों से डिवाइड हो जाने वाला सबसे छोटा नंबर. आइए कैसे करते हैं, सुनो. जितने भी नंबर गिवन हो आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1, 3 की पावर 1. 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हवा में कर सकते हैं 10 × 2. 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर × 5. ठीक है. अब LCM निकालने की सिंपल सी ट्रिक होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. इसका सिंपल सी ट्रिक होती है, जितने प्राइम नंबर दिख रहे हो सारे प्राइम नंबर लिख लो. यहां पर देखो, 6 में 2 और 3 दिख रहे हैं, 2, 3 लिख लिया. 20 में 2 और 5 दिख रहे हैं, 2 लिखा हुआ है, 5 भी लिख. जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सब लिख लो.
और सबकी सबसे बड़ी बड़ी पावरें रख दो, टू की यहां पावर टू है, टू की यहां पावर वन है तो टू ले लिया, थ्री की यहां पावर है ही नहीं, थ्री की पावर वन है वन ले लिया, फाइव की पावर है ही नहीं, फाइव की पावर वन है वन ले, मिल गया एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, सारे प्राइम नंबर लिख लो जितने इसमें हैं इसमें हैं, किसी भी एक नंबर में है लिख लो, सारे प्राइम नंबर लिख लो और हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर ले लो, सबसे बड़ी पावर, जैसे टू दोनों में कॉमन था तो टू की पावर यहां वन थी यहां टू थी तो हमने टू ली, अब थ्री तो बेचारे के पास है ही नहीं तो थ्री की पावर वन, फाइव इस बेचारे के पास नहीं है तो फाइव की पावर वन। एलसीएम निकालने की बात फिर सुनो, हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कर लिया ना, अब जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सारे प्राइम नंबर लिख लो और हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट, देखो उल्टा होता है, यहां लोएस्ट है लेकिन लेंगे हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में हाईएस्ट है, वापस हर प्राइम नंबर लिख लो, हर प्राइम नंबर लिख लो, लिख लिया यार, और हर प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर लो, टू का स्क्वायर टू की पावर वन, टू की पावर वन लेंगे, थ्री की पावर वन या थ्री नहीं है तो थ्री की पावर जीरो जीरो लेंगे, फाइव की पावर या नहीं है तो जीरो लेंगे। अगर ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो एक में नहीं है तो उसकी पावर जीरो ले लेंगे। क्यों जीरो ले लोगे, अरे यार इसको ऐसा समझो ना फाइव की पावर जीरो, इसको ऐसा समझो ना थ्री की पावर जीरो, इसलिए फिर भी सुनो। अच्छा उल्टा काम है, एलसीएम आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम में लोवेस्ट है लेकिन देंगे हाईएस्ट पावर, इसके नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट पावर, याद रखना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लेनी है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोवेस्ट पावर लेनी है, उल्टा उल्टा करना है, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ध्यान रखो कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी एक में नहीं है तो उसकी पावर जीरो ले लेते हैं, क्योंकि समझ सकते हो कि वो थ्री की पावर जीरो लिखा हुआ है। फिर सुनाता हूं, फिर बताता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर किसी प्राइम नंबर, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो किसी एक नंबर में नहीं है तो उसकी पावर क्या लेंगे, जीरो। क्योंकि ऐसा समझेंगे कि उसकी पावर कितनी आ रही है, उसमें जीरो आ रही है। क्या बात समझ में आई, एक और क्वेश्चन देखिए, आओ एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करें इसी बात पर, ये जो थ्योरी मैंने पढ़ाई इसी बात पर भेज, देखो ध्यान से सुनो सुनो, एक और एग्जांपल, एग्जांपल 96 और 404 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम भी निकालना है। आओ एलसीएम एचसीएफ के बारे में और डिटेल में जाने, पहले यार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मैं तो क्या करता था, मल्टीप्लाई कर करके प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अपन डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 96 है तो 96 2 से डिवाइड जाएगा, 96 बन जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 3 एक ही बार आ रहा है, हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। खतरनाक 404 और डिवाइड करें, यहां पर 404 2 से डिवाइड कर दें 202, फिर 2 से डिवाइड कर दें 101। अब 101 की बात करें, 101 खुद एक प्राइम नंबर है, 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यहां पर आ गया 101 तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 101। चलिए भाई बात करते हैं आगे, ओके अब हमको निकालना है एचसीएफ, जैसा कि गुरुजी ने बताया उल्टा होता है, सारे प्राइम नंबर लिख लो 2, 3 और 101, और एचसीएफ का मतलब है सबकी लोएस्ट पावर लेनी है, तो 2 कॉमन है 2 की लोएस्ट पावर 2 आ गई, 3 कॉमन नहीं है तो 0 आ गई, 101 कॉमन नहीं है तो 0 आ गई, जो कॉमन नहीं होगा उसकी पावर 0 ले लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वापस सारे प्राइम नंबर लिख लो 2 जो जहां पर भी है 3 और 101 और सबकी क्या ले लो हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 101 की भी हाईएस्ट पावर 1। एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी थी कि दो नंबर्स ए एंड बी, अगर दो नंबर्स हैं तो ए इंटू बी
will be equal to LCM into HCF. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो नंबर, इसलिए मैं डार्क किया है इसको, को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ए इंटू बी विल बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर्स के लिए, ये ध्यान रखना, ओनली फॉर टू नंबर्स। देखो एलसीएम और एचसीएफ तो दो से ज्यादा नंबर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज केवल दो नंबर के लिए होल्ड करेगी। जिन दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ आपने निकाला, उन दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उन दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर दोहरा रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ तो दो से अधिक नंबर, तीन चार पांच कितनों का भी निकल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ विल बी ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स। ये मैंने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन देखो, आइए इसकी बात करें। जैसे कि मैंने बोला फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120, तीन नंबर है। चलो सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 × 3 हो जाएगा, 72 का 8 × 9 = 72 होता है, 8 × 9 = 72, 8 हो गया 2³, 9 हो गया 3² 120, 120 को लिख सकते हैं 12 × 10, 12 हो गया 4 × 3, 10 हो गया 5 × 2, तो 2 की पावर आ गई 3 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब आइए तीन तीन नंबर है, लेकिन हमारा तरीका सेट है एच सी एफ उल्टा, पहले जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सब लिख लो, 2 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है मुझे और 5 दिख रहा है मुझे। एच सी एफ में क्या करते हैं, नाम में हाईएस्ट है तो लेंगे लोवेस्ट, 2 की सबसे छोटी पावर, यहां पर 3, यहां पर 3, 1, 3 की सबसे छोटी पावर, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 1, 5 की सबसे छोटी पावर, 5 इन दोनों में नहीं है तो एक भी जो नंबर मिसिंग होता है उसकी पावर 0। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, मेथड सेट है, सारे प्राइम नंबर लिख लो उल्टा, इसके नाम में लोवेस्ट आता है तो लेंगे सबकी हाईएस्ट पावर। चलो बात करते हैं, ओके एलसीएम की बात करें, सारे प्राइम नंबर लिख लो 2, 3, 5। अब हाईएस्ट 2 की पावर 1 है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है तो हाईएस्ट पावर 3 आ गई, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 2 आ गई, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 5 पर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन इतना जबरदस्त मेथड है, कितने भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, आ जाओ चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हम लगाएंगे। हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख ली, लल्लूस थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड एनसीईआरटी का अपन ने एग्जांपल्स भी देख लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और मिलके करें और सीखें। पहले 140, अच्छा कुछ प्राइम फैक्टर दिमाग लगाकर कर सकते, 140 है तो 14 × 10 है, 14 7 × 2 = 14 और 10 2 × 5, मतलब छोटे मोटे नंबर के लिए ऐसा कर सकते हैं, बड़े बारी के लिए नहीं। तो ये आ जाएगा 2² × 5 की पावर 1 = 7 की पावर 1, 156 है, डायरेक्टली कुछ तो डिवाइड कर दो, तो 156 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 13 और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 1। भाई 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ ये चीज आ जाएगी 2² × 3 की पावर 1 × 13 की पावर। क्लियर है डिवीजन में, जब और कुछ लगाएं 3825। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, बिल्कुल ध्यान देखिए 3825 यहां पर दे रखा है 3825, चलो डिवाइड करें, यार ये 5 से डिवाइड होगा तो 38, 7 × 5 = 35, 32,
तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17 की पावर 1। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं ना, तो छोटे नंबर से बड़े प्राइम नंबर की ओर, छोटे नंबर से बड़े प्राइम नंबर की ओर। और देखिए 5005, चलो इसको करें हम लोग। पांच हजार पांच ऑब्वियस सी बात है, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1001। बहुत सही, 1001। और देखें 1001 किससे डिविजिबल होता है, तो 1001 हमारे पास निकल के आ गया। ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल ही रहेगा कि ये किससे डिवाइड होगा। एक्चुअली इसमें आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। खैर 7 से डिवाइड करें तो 10, 7 वन 7 30, 7 4 28, 29 32, 21, 7 3 21, 143, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 वन 11, 33, 11 3 33, और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब एकदम से नहीं पता लगेगा 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा, खैर तो पता लग जाता है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और उसके लिए हमको प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए कि भाई 5, 7, 11। फिलहाल ये चीज निकल के आ गई 5 × 7 × 11 × 13। आमतौर पर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे। आओ देखिए 7429 को देखिए, आइए बात करें 7429 और देखें ये किससे डिविजिबल होगा। एज ए फीलिंग आ रही है, मतलब ट्राई कर रहा हूँ बस, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 17 से डिवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई डिवाइड बाय 17। तो 17 से अगर हम 74 की डिवाइड करें तो भाई 50, 60, 70, तो 17 फोर सा जा सकता है, 7 फोर सा 28, 4 वन सा 4 68, यस। तो 17 फोर टाइम जाएगा तो 68 या 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा तो 17 इंटू 3 टाइम्स जाएगा फिर तो 7 × 21, 351, तो 62 में से 51 गया तो 4 3 टाइम्स चला गया ये, तो ये 51 आया, 62 बचा था, तो 62 माइनस 51 11 आ गया, तो 119 निकल के आ गया, 119 निकल के आ गया। 119 17 की टेबल में आता है क्या, तो 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, यस और तो 7। हिट एंड ट्रायल ही रहेगा कि किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। 17 जगह के लिए अब यहाँ 437 आ गया, 437 निकल के आ गया, तो 437 को किससे डिवाइड करें, या ये अब नेक्स्ट कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 19 से ट्राई करते हैं। Let us try it by 19. 19 two times चल जाएगा ये, तो 19 into 2, 9 to the 18, 2 and the 2 और 38. तो 43 में से 38 गया, बचा 5, 57. तो 19 into 3, 9 3 the 27, ओ चला गया चला गया चला गया, 57, 23 बच गया। और 23 तो खुद ही एक prime number है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 23 1। तो बहुत बड़े बड़े तीन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ गया, 17, 19 और 23। आइए बात करते हैं, तो ये चीज आ गई 17 × 19 × 23। क्लियर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए।
खैर वो तो हमको पहले भी आता था, फिर भी क्वेश्चन नंबर टू कहता है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूं कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये केवल दो ही नंबर के लिए वैलिड है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले 26 एंड 91 की बात करी जाए, 26 एंड 91, चलो देखें 26 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 26 को 2 से डिवाइड कर दे 13 आ जाएगा, और अगर डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के तो ये आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का निकल के आ गया 2 into 13, सही है भाई, कोई खास बात नहीं। 91, आइए 91 को देखें, 91 अच्छा 13 से डिविजिबल हो रहा है, आओ देखें 13 into 7, 7 3 21, 7 1 7, 91 बहुत सही, तो 7 आ जाएगा और ये 7 1 7, तो 91 को 7 into 13 लिख देंगे, ठीक है। चलो एलसीएम की बात करें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे मिलेगा, 2 7 and 13, सब प्राइम नंबर लिख लिए। अब उल्टा करते हैं, लोवेस्ट ढूंढना है तो हाईएस्ट पावर लिखो, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1 और 13 की हाईएस्ट पावर 1, और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर से सारे प्राइम नंबर हमने लिख लिए, और हाईएस्ट ढूंढना है तो लोवेस्ट लिखो, तो और जो नहीं हो 0 लिखो, 2 इसमें नहीं है 0, 7 इसमें नहीं है 0, 13 दोनों में, तो लोवेस्ट पावर 1। आओ चेक करें, अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट देखो, 26 into 91, 2 की पावर 1 आएगा लेकिन 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 की पावर 1 आएगा। जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, और यहां पर भी देखें एलसीएम इंटू एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 1, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का स्क्वायर। क्लियरली देख सकते हैं कि यह भी 2 into 7 into 13 है और यह भी 2 into 7 into 13 है, यानी दोनों बराबर है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें, 510 and 92, 510 और 92, अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले 510 का कर लेते हैं, 510 इसको तो सीधे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 to the 4 और 21 2 to the 4 आ गया तो 11, 2 5 is 10, 2 5 is 10, अभी तो 5 से जाएगा 5 5 is 25, 51, और ये 3 से जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है तो 3 1 is 3 और 17, और ये तो खैर 17 से जाएगा 1। तो भाई साहब 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गया 2 into 3 into 5 into 17, यहाँ बगल में आ गया 92। आइए 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 8 2 6 2 2 4 2 3 6 तो ये आ जाएगा 2 square into 23। चलिए HCF की बात करें तो हाईएस्ट है तो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, 2 3 5 7 17 and 23, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो लोएस्ट पावर लेंगे, 2 की लोएस्ट पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर 0, 5 की लोएस्ट पावर 0, 17 की लोएस्ट पावर 0, 23 की लोएस्ट पावर 0। अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो एक में नहीं है तो 0। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सारे प्राइम नंबर लिख लो 2 3 5 17 23, और भैया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तो हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 1 1 1, आ गया भाई साहब। आइए यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर करें, 510 into 92, तो दिस इंटू दिस 2 का क्यूब, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, जबकि यहां पर अगर एच सी एफ इंटू एल सी एम कर दें तो ये 2 का फिर से क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1,
एंड 23 की पावर 1। जब ये नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं। क्लियर हुआ? चलो अगला नंबर देखें। अगला क्वेश्चन 336 एंड 54। चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 54 तो मेरे ख्याल से टेबल में ही आ जाएगा। 54 आइए बात करें, 9 6 54 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 6 को 2 इंटू 3 तो ये आ गया 2 इंटू 3 क्यूब। सिंपल सिंपल नंबर डायरेक्टली लिखो यार। और यहाँ पर बात करते हैं 336 की। आइए 336 की बात करें, इसको तो मेरे को लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। 2 से जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 8 16, फिर 2 जाएगा 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 जाएगा 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 जाएगा 21 और 7 3 21, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। आइए अगर अच्छे CF की बात करना चाहते हो तो पहले सारे प्राइम नंबर लिख लो। 2, 3 और 7 तीन ही प्राइम नंबर हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो लोवेस्ट पावर लिखो। 2 की लोवेस्ट पावर 1 आ गई, 3 की लोवेस्ट पावर 1 आ गई, 7 की लोवेस्ट पावर 0 आ गई। 7 इसमें नहीं है। और अगर एलसीएम देखना है फिर सारे प्राइम नंबर लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लोवेस्ट देखना है तो हाईएस्ट पावर लिखो। 2 की हाईएस्ट पावर 4 और 1 4, 3 की हाईएस्ट पावर 1 और 3 3, तो 1 आ। आइए नंबर्स का प्रोडक्ट देखें। अगर 336 इंटू 54 की हम बात करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, 7 की पावर 1 आ जाएगा। और अगर आप HCF इंटू LCM की बात करते हैं तो वापस 2 की पावर 5 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, 7 की पावर 1 आ जाएगा। बराबर आ ही रहे हैं? आना ही है भैया, आना ही है। बराबर कॉपी कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 LCM HCF पर बेस्ड और क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द LCM एंड HCF। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस बार नंबर इतने छोटे दे रखे कि टकर टकर सकते हैं। यहां पर देखिए भाई, 2 तो 2 की पावर 1 ही हो जाएगा, जबकि जो 15 है वो 3 इंटू 5 हो जाएगा और जो 21 है वो 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो LCM HCF निकालना बहुत इजी है। LCM निकालने के लिए सारे प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 एंड 7, ये सारे इन्वॉल्व है, और सबकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, 3 की 1, 5 की 1, 7 की पावर 1। HCF की बात करें सारे प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 7 2 3 5 7, सबकी लोएस्ट पावर लिखो। तो 2 इसमें नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 इसमें नहीं है 3 की पावर 0, 5 इन दोनों में नहीं है तो 5 की पावर 0, और 7 इन दोनों में नहीं है 7 की पावर 0। अगर एक भी नंबर में से कोई प्राइम नंबर मिसिंग है तो उसकी पावर 0। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसको देखिए आप, 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है यार, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, और तो है ही नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये खुद हो गए। चलो LCM का मतलब है सारे प्राइम नंबर लिख लो और सबकी हाईएस्ट पावर दो, तो 17 सबकी हाईएस्ट पावर 1 आ गई। HCF का मतलब है सारे प्राइम नंबर लिखो और सबकी लोएस्ट पावर दो। भाई साहब सबकी लोएस्ट पावर 0 ही आ जाएगी, क्यों? क्योंकि 17 इन दोनों में नहीं है, 23 इन दोनों में नहीं है। इजी क्वेश्चन है। यहां पर आ जाइए, 8 तो बन जाएगा 2 का क्यूब, 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर और 25 बन जाएगा 5 का स्क्वायर। LCM का मतलब है सारे प्राइम नंबर लिखो, 2 3 और 5, और सबकी हाईएस्ट पावर लिखो, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो सारे प्राइम नंबर लिखिए आप 2 3 5,
और सबकी लोवेस्ट पावर दो, टू इन दोनों में नहीं है, थ्री इन दोनों में नहीं है, फाइव इन दोनों में नहीं है, तो सबकी लोवेस्ट पावर कितनी निकल के आएगी, जीरो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन एचसीएफ ऑफ 306, 657, 9 है, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। भाई इसने एचसीएफ दिया फिर एलसीएम पूछा है, मतलब वैसे तो हम डायरेक्टली भी एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अच्छा देखो, वैसे हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सो एलसीएम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा भाई, 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ कितना है, 9। इसको कैलकुलेट कर लें, आइए आपके लिए कैलकुलेट भी कर देते हैं, हम देखेंगे सब बच्चे। 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इजिली फैक्टर ऊपर नीचे से काट सकते हैं। ओके, 306 ये तो आराम से मेरे ख्याल 3 से डायरेक्टली आ रहा है, 3 1 3 0 3 2 6, ये 2 से जाएगा, 2 5 10 2 1 2, 51 फिर 3 से जाएगा 17 टाइम्स, 3 1 3 21, और ये 17 जाएगा 1, तो ये चीज बन गई भाई साहब 2 × 3² × 17, नीचे 9 तो 3 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 657, चाहे लिखो चाहे मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट गए, तो आ गया 2 × 17 × 657। मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक और ध्यान से, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ध्यान देखें। नेक्स्ट आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और 6। लुक हियर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन 5 को देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड इन 0। ये अपन ने अभी अभी एक एग्जांपल की मैं समझाया था मैंने, कोई भी संख्या 0 में कब एंड होगी, जब उसमें 2 की कम से कम 1 पावर और 5 की कम से कम 1 पावर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 2 × 5, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होगा तो बात बन जाएगी। चलो यहां देखें, 6 की पावर n बेटे बेसिकली 2 × 3 की पावर n हो गया, जो कि बन जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 2 की पावर तो आ रही है लेकिन इसके अंदर 5 की एक भी पावर नहीं आ रही, 2 की पावर तो आ रही है लेकिन इसके अंदर 5 की एक भी पावर नहीं आ रही, तो नेवर एंड्स इन 0। तो ये नंबर कभी भी 0 में एंड नहीं हो, कभी भी, क्योंकि 0 में एंड होने के लिए एक 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 का मल्टीपल होने के लिए एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इस बताइए क्यों ये और ये दो अलग अलग नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ऊपर वाला नंबर देखो, अगर ऊपर वाले नंबर में से 13 कॉमन ले लो तो 7 × 11 + 1 बचेगा, तो ये दो अलग अलग नंबर का प्रोडक्ट आ गया, दो अलग अलग नंबर का प्रोडक्ट आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर है। यहां पर देखिए इसको, दूसरे नंबर को देखो, दोनों में से 5 कॉमन ले लो इंटू 5 कॉमन लोग, यहां क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये भी दो नंबर का प्रोडक्ट है जिनमें से एक भी 1 नहीं है। देखो प्राइम नंबर मान लीजिए हमारे पास 7 ले लें, तो 7 एक प्राइम नंबर है, उसको भी आप दो नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उनमें से 1 होगा और दूसरा प्राइम। लेकिन अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको आप लिखते हैं 1 × 6 या 2 × 3, तो 2 × 3 क्या हो गया इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका उल्टा सोचो, अगर एक भी डिजिट 1 नहीं है, एक भी फैक्टर 1 नहीं है, तो पक्का ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अगर किसी भी नंबर को मैं दो ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट लिख दूं जिनमें एक भी 1 नहीं है, एक भी 1 नहीं है, तो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्योंकि कंपोजिट नंबर को ही आप ऐसा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं ताकि कोई भी दोनों में से एक 1 ना हो। ये 7 प्राइम नंबर है तो अब आप इसको लिख तो सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेकिन एक 1 होना ही चाहिए, 1 होना ही चाहिए। कंपोजिट में भी लिख सकते हो
लेकिन कंपोजिट को ऐसे भी लिख सकते हो कि उनमें से कोई भी एक वन ना हो। अभी इस बात पर आ जाओ, अगर किसी भी नंबर को दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट लिख दें जिनमें से एक भी वन नहीं है, तो शर्त या वो नंबर क्या है, कंपोजिट। तो ऊपर वाले नंबर को भी मैंने दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट लिखा जिनमें से एक भी वन नहीं है, और नीचे वाले नंबर को भी मैंने ऐसे नंबर का प्रोडक्ट लिखा जिनमें से एक भी वन नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स। कॉपी कर लीजिए।